प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के आरोप पत्र में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित कारनामों का काला चिट्ठा खुल गया है। देशमुख ने बार और पब से वसूली के अलावा डीसीपी के तबादले में भी मोटी रकम ऐंठी थी। बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने ईडी को बताया कि 15 साल के बाद उसे पुलिस सेवा में बहाल करने के लिए भी देशमुख ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। वाजे ने देशमुख के अलावा परिवहन मंत्री अनिल परब पर भी कई तरह के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक सचिन वाजे ने बताया कि मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने जुलाई 2020 में मुंबई के 10 पुलिस उपायुक्तों का तबादला कर दिया था। परमबीर के इस आदेश से देशमुख खुश नहीं थे। तबादला आदेश रोकने के लिए अनिल देशमुख और शिवसेना नेता अनिल परब ने मुंबई के 10 पुलिस उपायुक्तों से 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। ईडी ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली से संबंधित कई आरोप लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट चीफ और अब बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 4.6 करोड़ रुपए अपने निजी सहायक कुंदन शिंदे को देने के लिए कहा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वाजे ने यह रकम 16 बैग में भरकर मुंबई के मालाबार हिल स्थित सरकारी सहयाद्री गेस्ट हाउस और राजभवन के बाहर पहुंचाया था। इस रकम का इस्तेमाल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ने किया था और दिल्ली की एक कंपनी ने यह रकम देशमुख परिवार के श्री साई शिक्षण संस्थान ट्रस्ट को दान के रूप में भेजी गई थी। आरोप पत्र में ये जिक्र भी है कि अनिल देशमुख ने ये रकम अवैध तरीके से डांस बार से जुटाने के लिए कहा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।